लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी रंजिशें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते बटाला के गांव कुंजर के रहने वाले अकाली दल के जिला सचिव और गांव के पूर्व अकाली सरपंच की तरफ से मौजूदा कांग्रेस विधायकों और मंत्री पर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सियासी शय पर गांव के कुछ लोगों ने पूर्व सरपंच पर हमला कर दिया और पूर्व सरपंच ने भागकर अपने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हमलावरों ने उनके घर पर ईंट व पत्थरों से भी हमला किया। वहीं अकाली दल के पूर्व जिला प्रधान सुच्चा सिंह लंगा ने अकाली समर्थकों के साथ पीड़ित पूर्व सरपंच के घर पहुंचकर हाल जाना और आरोप लगाया कि पुलिस ने सियासी दबाव में आकर उल्टा न्याय पर्चा दर्ज किया गया है। लंगा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस ने झूठा मामला रद्द कर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। 20 तारीख की गल आ, साढ़े घर छोटा जा प्रोग्राम सी, फंक्शन सी जन्मदिन का, साढ़े घर रिश्तेदार आए सी, नाल दा एक सरपंच बनया, उन्हें साढ़े घर से हमला करता, रोड़िया ना हमला किया, गाली गलोच किया, उल्टा कहिंदा ही मैनू रंधावा साहब कहिंदे आ शाबाशे तेरे, मैनू रंधावा साहब शाबाशे देंदे आ, आंदा भी किहदे घर गाड़ी गाला कढ़ियां, आंदा जी मैं अकाली सरपंच गाड़ी गाला कढ़ियां, वह मैनू थापी दिंदा रंधावा साहब शाबाशे तेरे शाबाशेरा, ये काम किया तू तगड़ा हो जा मैं तेरे नाल, इस करके साडे ना बिल्कुल बेइंसाफी हो रही आ। मैनू इस कांग्रेस सरकार के टाइम से एस एच ओ जरा घूमण कला थाने का, उन्हें मैनू 3-7 तरीक न गुरदासपुर बाईपास तो कार च जांदे मैनू अरैसट किया, फड़ के वो मैनू इंटैरोगेशन ले गए, इंटैरोगेशन करन तो बाद उन्होंने अगले दिन मैनू 11 बजे जिहड़ा मेरा असला दुकान ते असला ब्रांच में दुकान ते जमा सी वो मेरे को जाके इन्होंने असला कढ़वाया, कढ़वा के थाने में लिया के मेरे ते परचा दर्ज किया। भाई सानू एक ना काली होने की सज़ा यह मिली है कि साढ़े तो रात हमले किए जाते हैं, साढ़े तो गालां सानू कढ़ियां जांदियां ने, साढ़े घर च वड़ के सानू साढ़े गेट भन्न के कहिंदे आ भी बाहर निकलो बाहर निकलो, खुद मेरे हसबैंड ते ना परचा करवाया, जबकि इन्हें साढ़े गेट भी पन्ने ही फिर भी चुप कर गए भी चलो कोई गल नहीं कि मतलब बाहर ना निकलो, पर फिर भी इन्हें साढ़े गेट भन्न के साढ़े अंदर वड़न की कोशिश की है, एक सिर्फ अं काली होने करके सुखजिंदर सिंह रंधावा की शायद सब कुछ हो रहा। हूँ अं पिंड छड़ के तो नहीं जा सकते, पिंड के ही रहेंगे पर अं हम डर के नहीं रहेंगे। बड़े दुख की गल है, साडा जिले का जनरल सकत्र आ बोड़ सिंह, इनू उस बूथ जितन के कारण इनू फड़ के ते इहदे ते इन्ना तशद्दुद किया कि कई दिन मंजी ते रहा ते हस्पताले दा इलाज करवाउणा पिया वा, किसी ने कोई बात नहीं पुछी, बड़ी दहशत पाई। आ हुण मैं समझना कि फिर ये चोणां आईयां ने, जिवें हल्के विच बहुत वड्डा जुल्म हो रहा इस पिंड विच वी आपणे साडे वर्करां नूं तैश नैश करन लई दहशत पाउण लई ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਲਾਨੌਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੋਲਡੀ ਜੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਸੇ ਵਿੱਕੀ ਮਲਿਕ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।